फ्रेंड, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एन क्वीन प्रॉब्लम इन बैकटेकिंग। बैकटेकिंग यूज करके हम लोग को एन क्वीन प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कुछ रूल है हम लोग को जानना चाहिए, जो है नो टू क्वीन आर सेम रो। आप ये छोड़िए, आप देखिए मैं इसमें ये एक 22 चेस बोर्ड है जहाँ पर ये है रो और ये है कॉलम। टू नो टू क्वीन आर सेम रो, मैं इसमें क्वीन वन प्लेस करा और हम लोग का यही रो है, मैं यहाँ पर क्वीन टू प्लेस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सेम रो में आ रहा है तो इसमें प्लेस नहीं होगा। नो टू क्वीन आर सेम कॉलम, आप देखिए इसमें सेम कॉलम में आ रहा है तो मैं यहाँ पर भी क्यू टू प्लेस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सेम कॉलम में आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। नो टू क्वीन आर सेम डायगोनल, मैं सेम डायगोनल मीन्स मैं सपोज यहाँ पर क्यू टू प्लेस करा तो ये भी नहीं होगा, इसमें प्लेस नहीं होगा क्योंकि सेम डायगोनल में आ रहा है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये थ्री हम लोग का रूल है। अभी मैं आप देखिए एन इक्वल टू में 4 लिखा और एन इक्वल टू में 8 लिखा। क्यों मैं एन इक्वल टू 4 लिखा, जो है 4 क्वीन प्रॉब्लम, और एन इक्वल टू 8 क्यों लिखा, क्योंकि ये है 8 क्वीन प्रॉब्लम। इसलिए आप सोचिए एन इक्वल टू 1 में मैं नहीं लिखा, एन इक्वल टू 2 में नहीं लिखा, एन इक्वल टू 3 भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू, एन इक्वल टू 3 में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। इसलिए हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा एन इक्वल टू 4 और एन इक्वल टू 8 में, तो इसलिए मैं लिखा एन इक्वल टू 4 और एन इक्वल टू 8, जो एन इक्वल टू 4 मीन्स 4 क्वीन प्रॉब्लम और एन इक्वल टू 8 मीन्स 8 क्वीन प्रॉब्लम। 4 इंटू 4 चेस बोर्ड में आपको 4 क्वीन प्लेस करना है, जो जाप होगा एन इक्वल टू 4, और 8 इंटू 8 चेस बोर्ड में 8 क्वीन आपको प्लेस करना है जो होगा एन इक्वल टू 8। बट एक ध्यान देना चाहिए जो है A3 रूल, नो टू क्वीन आर सेम रो, नो टू क्वीन आर सेम कॉलम, नो टू क्वीन आर सेम डायगोनल चेस बोर्ड में। आई थिंक आपको ये थ्योरी समझ में आया होगा। आप लोग अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में देखूंगा जो है एन इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 8, ये सब में सॉल्व करके देखूंगा। यहाँ पर आप देखिए एन इक्वल टू 1 मीन्स 1 इंटू 1 चेस बोर्ड, इसमें एक क्वीन प्लेस करना है क्योंकि एन इक्वल टू 1 है तो मैं एक क्वीन प्लेस करा Q1 और 1 रो 1 कॉलम। ओके, इस टाइप सॉल्यूशन के क्या बोलता है, इट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है एन इक्वल टू 2 मीन्स 2 रो 2 कॉलम, आप देखिए इसमें 1 2 और 1 2 में लिखा, मैं सपोज प्लेस करा तो 2 इंटू 2 चेस बोर्ड, इसमें Q1 प्लेस करा, मैं Q2 इसमें प्लेस करूँगा तो सेम कॉलम में हो जाएगा, इसमें मैं प्लेस नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं इसमें प्लेस करूँगा तो क्या होगा, सेम डायगोनल में हो जाएगा तो यहाँ पर भी हम लोग प्लेस नहीं कर पाऊँगा क्यू को, तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट एन इक्वल टू 3, जहाँ पर मैं इस में Q1 प्लेस करा जो है 1 2 3 1 2 3 मीन्स 3 इंटू 3 एक चीज बोर्ड है, एन इक्वल टू 3 मीन्स 3 क्वीन हम लोग को प्लेस करना है तो क्यू इक्वल टू 1 करा, Q2 मैं सपोज इसमें प्लेस करूँगा तो आप देखिए सेम कॉलम में हो रहा है,
इसमें प्लेस करूँगा, आप देखिए सेम डायगोनल में हो रहा है, तो मैं इसमें भी प्लेस नहीं कर पाऊँगा और यहाँ पर भी प्लेस नहीं कर पाऊँगा। मैं इसमें प्लेस कर रहा हूँ Q2, आप देखिए सेम कॉलम में भी नहीं हो रहा है, सेम डायगोनल भी नहीं हो रहा है और सेम रो में भी नहीं हो रहा है। ये हम लोग का एक राइट प्लेस है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, Q3 में सपोज यहाँ पर प्लेस करूँगा, तो आप देखिए सेम कॉलम में आ रहा है। Q3 सपोज मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा तो आप देखिए Q2 का डायगोनल में आ रहा है, इसमें भी प्लेस नहीं होगा और यहाँ पर भी प्लेस नहीं हुआ और यहाँ पर भी प्लेस नहीं होगा, क्योंकि Q2 का सेम कॉलम में Q3 हो रहा है, तो इसमें भी प्लेस नहीं होगा, तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन। आप देखिए इन Q1 Q2 Q3 ये सब में हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो इसलिए हम लोग को जो सॉल्यूशन आएगा वो है Q4 में आएगा और Q8 में आएगा, तो हम लोग इसलिए एन क्वीन और एट क्वीन प्रॉब्लम बोलता हूँ। ये क्या है, 4x4 चेसबोर्ड है जहाँ पर 4 क्वीन हम लोग को प्लेस करना है। ओके, मैं इसमें 1 2 3 4 लिख रहा हूँ और 1 2 3 4 मैं इसमें Q1 प्लेस करा। ओके, और यहाँ पर Q1 प्लेस रहेगा और मैं इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 मैं यहाँ पर Q2 प्लेस करूँगा तो क्या होगा, सेम कॉलम में आ रहा है तो यहाँ पर प्लेस नहीं होगा, इसमें भी प्लेस नहीं होगा क्योंकि सेम डायगोनल में आ रहा है। मैं इसमें प्लेस करूँगा तो हो जाएगा, आप देखिए सेम कॉलम में सेम डायगोनल में नहीं आ रहा है, तो ये हम लोग का एक राइट प्लेस है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग को Q3 प्लेस करना है। आप देखिए मैं सपोज यहाँ पर Q3 प्लेस करूँगा तो सेम कॉलम में, इसमें प्लेस करूँगा तो इस Q2 का डायगोनल में आ रहा है, तो यहाँ पर भी प्लेस नहीं होगा, यहाँ पर भी प्लेस नहीं होगा और इसमें भी प्लेस नहीं होगा और मैं इसमें भी प्लेस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि Q3 इसमें प्लेस करूँगा तो सेम डायगोनल में आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को Q2 को बैक ट्रैकिंग करना पड़ेगा। ओके, मैं Q2 को बैक ट्रैकिंग कर रहा हूँ। Q2 हम लोग को यहाँ पर था तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, Q2 को बैक ट्रैकिंग कर रहा हूँ, इसमें Q2 लिखा बैक ट्रैकिंग करके। आप देखिए क्या हो रहा है, इसमें मैं Q2 लिख दिया। अभी हम लोग Q3 चेक कर रहा हूँ, इसमें सपोज मैं Q3 प्लेस करूँगा तो क्या होगा, सेम कॉलम में आ रहा है तो यहाँ पर नहीं होगा। Q3 में इसमें प्लेस करूँगा तो आप देखिए सेम कॉलम में भी नहीं आ रहा है, सेम डायगोनल में भी नहीं आ रहा है और सेम रो में भी नहीं आ रहा है किसी का, तो हम लोग का एक राइट प्लेस है, तो मैं इसलिए यहाँ पर Q3 प्लेस करा। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हम लोग क्या करने जा रहा हूँ, Q3 प्लेस करना है। Q4 मैं इसमें लिखता हूँ, Q1 हम लोग का यहाँ पर है, Q2 ये थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं है, हम लोग को समझना चाहिए। Q3 में लिखा यहाँ पर, आप देखिए मैं इसमें Q4 प्लेस करूँगा तो क्या होगा, नहीं होगा क्योंकि सेम रो में आ रहा है, सेम कॉलम में आ रहा है, तो ये नहीं होगा, मैं इसमें भी प्लेस नहीं कर पाऊँगा और इसमें भी प्लेस नहीं करूँगा क्योंकि डायगोनल में Q3 का आ रहा है और इसमें भी प्लेस नहीं कर पाऊँगा Q4 क्योंकि Q2 का कॉलम में आ रहा है, तो हम लोग को Q3 को बैक ट्रैकिंग करना पड़ेगा। मैं इसमें कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं सपोज Q3 को बैक ट्रैकिंग करा तो आप देखिए Q3 यहाँ पर नहीं प्लेस होगा, क्यों नहीं प्लेस होगा, क्योंकि Q2 का डायगोनल में आ रहा है और यहाँ पर मैं Q3 प्लेस करूँ तो सेम कॉलम में आ रहा है तो नहीं प्लेस होगा। ओके, तो हम लोग को और Q2 में और बैक ट्रैकिंग करना पड़ेगा Q2 को, तो Q2 बैक ट्रैकिंग नहीं होगा क्योंकि Q2 अभी ये प्लेस में है, तो और प्लेस नहीं है, खाली नहीं है, तो ये बैक ट्रैकिंग नहीं होगा। और एक Q1 हम लोग को Q1 को बैक ट्रैकिंग करना पड़ेगा। ओके, मैं Q1 को बैक ट्रैकिंग करा इस घर से यहाँ पर। अभी मैं Q2 यहाँ पर प्लेस नहीं कर पाऊँगा
क्यू टू यहाँ पर भी प्लेस नहीं कर पाऊँगा, यहाँ पर भी प्लेस नहीं कर पाऊँगा, यहाँ पर प्लेस करना है क्यू टू को। ओके अभी देखिए क्यू थ्री, अच्छा मैं इस घर में नहीं कर रहा हूँ, मैं इस घर में कर रहा हूँ तो अच्छा होगा समझने में। क्यू क्यू वन में इसमें प्लेस करा तो क्यू टू इसमें भी प्लेस नहीं कर पाऊँगा, इसमें भी प्लेस नहीं कर पाऊँगा, यहाँ पर भी प्लेस नहीं पाऊँगा। हम लोग को प्लेस करना है यहाँ पर क्यू टू, मैं इसलिए यहाँ पर क्यू टू प्लेस करा। अभी हम लोग को प्लेस करना है क्यू थ्री, मैं इसमें लिखता हूँ क्यू वन, यहाँ पर लिखता हूँ क्यू टू। आप देखिए मैं सपोज क्यू थ्री में इसमें प्लेस करूँगा तो सेम रो कॉलम में आ रहा है, तो इसमें प्लेस नहीं होगा क्यू थ्री, यहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा हम लोग का क्यू वन, सॉरी क्यू वन में यहाँ पर लिखा, क्यू वन हम लोग को एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्योंकि आप देखिए एक घर में है, तो मैं इसमें क्यू थ्री लिखा। आप देखिए किसी का डायगोनल में, किसी का रो में, किसी का कॉलम में नहीं आ रहा है, तो हम लोग का ये एक राइट प्लेस है क्यू थ्री का। अभी मैं क्यू फोर प्लेस करूँगा, मैं इसमें क्या करा क्यू वन और यहाँ पर क्यू टू हम लोग का था और यहाँ पर हम लोग का था क्यू थ्री, मैं इसमें क्यू फोर प्लेस करूँगा तो क्या होगा, सेम कॉलम में आ रहा है तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसका डायगोनल में और क्यू वन का डायगोनल कॉलम में आ रहा है। यहाँ पर, यहाँ पर मैं प्लेस कर पाऊँगा। आप देखिए क्यू फोर, क्यू फोर में इसमें प्लेस करूँगा, सेम डायगोनल भी नहीं आ रहा है, किसी का सेम कॉलम में भी नहीं आ रहा है और सेम रो भी नहीं आ रहा है, तो ये हम लोग का एक राइट प्लेस है। आई थिंक आपको ये फोर क्वीन प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ओके मैं क्या कर रहा हूँ अभी नेक्स्ट पेज में एट क्वीन प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। आप देखिए मैं नंबर लिख लिया इसमें 4 6 8 2 7 1 3 5, ये है कॉलम नंबर है और ये है क्यून क्वीन, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू फाइव क्यू सिक्स क्यू सेवन क्यू एट। तो मैं क्या कर रहा हूँ फोन नंबर कॉलम में क्यू वन प्लेस कर रहा हूँ जो इस रो में वन, आप देखिए वन रहेगा तो आप ए वन धरिए, ठीक है ना, टू रहेगा तो इस टू धरिए। ओके सिक्स, आप सिक्स देखिए क्यू टू में प्लेस कर रहा हूँ, इसमें प्लेस करा। ओके और क्यू थ्री, क्यू थ्री एट, एट में एट कॉलम में मैं क्यू थ्री प्लेस करूँगा। आप देखिए एट थ्री में, एट में मैं क्यू थ्री प्लेस करा जो है थ्री रो में, क्योंकि इसमें थ्री है तो इसलिए ये थ्री हम लोग को डोनेट करना पड़ेगा। और टू, आप देखिए टू नंबर कॉलम में मुझे क्यू फोर प्लेस करना है, तो क्यू फोर में आप देखिए इसमें प्लेस करा क्योंकि यहाँ पर फोर है। सेम तरीका सेवन, सेवन आप देखिए सेवन में क्यू फाइव में प्लेस करा और वन में क्यू सिक्स, वन नंबर कॉलम में सिक्स नंबर रो में क्यू सिक्स पे प्लेस करा और थ्री, थ्री में क्यू सेवन में प्लेस करा और फाइव, फाइव में क्यू एट में प्लेस करा। एक्चुअली एग्जाम में क्यू क्वीन फोर क्वीन प्रॉब्लम आता है, एट क्वीन प्रॉब्लम नहीं आता है, आप कर सकते हो क्योंकि आ जाएगा तो आपको उस टाइम प्रॉब्लम नहीं पड़ना चाहिए, तो आप लोग को ये याद करना चाहिए, ये याद करके आप वहाँ पर क्यू एट क्वीन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। आप ये याद नहीं करेगा तो क्या होगा, आप लोग को वहाँ पर प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप एक एक जब चेक करोगे उस टाइम बहुत टाइम वेस्ट होगा और आप लोग को टाइम नहीं मैनेज कर पाओगे। आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ़ दिस वीडियो इज हेल्पफुल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।